नमस्कार, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूं छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय न्यूज चैनल KSN 24 न्यूज पल पल की खबर में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। नगर पंचायत रहौत की धान मंडी में 21 नवंबर से धान खरीदी शुरू हुई। गौरतलब है कि प्रत्येक साल किसान अपने खेतों में उपजाई हुई धान को शासन के निर्देश अनुसार आसपास के धान खरीदी केंद्र में बेचते हैं, जिससे किसानों को लाभ मिलता है। और इसी कड़ी में रहौत में 21 नवंबर से धान खरीदी शुरू हुई। सर्वप्रथम पामगढ़ SDM तंबोली सर, श्रीमती सत्या राजेंद्र गुप्ता अध्यक्ष नगर पंचायत रहौत, नायब तहसीलदार कमल किशोर सहित नगर के जनप्रतिनिधियों ने कांटा तोलाई करने वाली तराजू का पूजा अर्चना की। इसके बाद किलोवाट डालकर तराजू में धान डालकर तोलाई की, जिसके बाद भारत माता महात्मा गांधी जी के छायाचित्र की धूप दीप से पूजा अर्चना कर खरीदी शुरू की। इस अवसर पर सत्या देवी गुप्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा समर्थन मूल्य में धान खरीदी का 21 नवंबर से शुरुआत हुई है। सभी किसान अपने खून पसीने मेहनत की कमाई कर धान खरीदी केंद्र में समर्थन मूल्य में धान बेचते हैं। प्रदेश की सरकार किसान हितैषी और सबका ध्यान रख रहे हैं। शासन के निर्देशानुसार 1 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ है, लेकिन चूंकि धान विलम्ब से मिसाई हो रहा है और खरीदी केंद्र में विलम्ब से पहुंच रहा है, तो आज 20 तारीख को रावत में प्रथम बार अभी टोकन कटने के बाद धान यहाँ पहुँचा है, तो उसका प्रारंभ माननीय अध्यक्ष महोदय के हाथों हुआ है। धान खरीद केंद्र में मायाराम यादव का 29 कट्टी धान आया, उसमें शुभारंभ किया है और आगे मैं किसानों के साथ में रहकर किसानों के साथ मैं काम करूंगा। किसानों को कोई असुविधा प्रदान नहीं होगी, इसके लिए मैं भरसक प्रयास करूंगा। बरदाने को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार इस बार मंडी प्रभारी को क्या कुछ निर्देश दिए, इस बार क्या किसान बरदाने देंगे या फिर मंडी से जाएगा बरदाने? अभी तक तो लिखित में नहीं आया हुआ है कि बरदाने किसान देगी, लेकिन पूर्णतः बरदाना 50-50 के देंगे, 50 नया 50 पुराना। उपार्जन केंद्र में आज प्रथम किसान मायाराम यादव की जी की धान खरीदी कर आज धान खरीदी शुभारंभ किया गया। साथ ही हमारे जो कांग्रेस सरकार के द्वारा भूपेश बघेल जी के द्वारा जो योजना है उसकी पूरी लाभ सभी किसान भाइयों को मिलेगा और धान सुव्यवस्थित रूप से संचालित होगा और सुव्यवस्थित रूप से खरीदी की जाएगी। किसी भी प्रकार की सुविधा और असुविधा होगी उसके लिए हम लगातार प्रयासरत रहेंगे। में अभी तो पूरी स्टाफ के साथ साथ बरदाने की पूर्ण व्यवस्था है शुरुआती दौर में, साथ ही किसानों के बैठने के लिए व्यवस्था और पानी की व्यवस्था भी की जाएगी। किसानों को बस यही बोलूंगी थोड़ा पेशेंस रखें, यदि कभी लेट होता है या कोई चीज़ तो उसके लिए उग्र ना हो, और जो भी यहाँ पर हो रहा है काम उसमें सब सहयोग करें, एक दूसरे के सहयोग से ही कोई काम होता है, और शांतिपूर्ण व्यवस्था बना के अपना काम को करें।